नोएडा के सेक्टर 12 में मॉडर्न स्कूल है, वहां पर जो घटना घटी उसको लेकर के मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए क्या कुछ आप लोगों को सुनने को मिला, कब ये घटना हुई? ये घटना परसों की है, पर हमें अभी तक अभी स्कूल वालों ने कोई इन्फॉर्म नहीं करा है इस बारे में। जब हम स्कूल में आज गए हैं तो हमें पता चला है कि घटना ये हुई है, किसी छोटी बच्ची के साथ में घटना हुई है, और उसने इस क्लास में भी इन्फॉर्म करा अपनी टीचर को, पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें। अब इसमें चार लोग शायद अभी बता रहे थे, 4 लोग गिरफ्तार हैं इसमें भी, ठीक है, पर हमें अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं है। हमने टीचर से पूछा जाके तो कुछ घटना हुई है, तो टीचर ने भी साफ मना कर दिया कि इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है अभी। तो आप लोगों के कुछ अप्रिहेंशन हैं, आप लोगों के कुछ सुरक्षा को लेकर के डर है? जैसे कि देखिए, अब हम हमारे बच्चे सुबह 7 बजे आते हैं, हम स्कूल के उसमें छोड़ते हैं कि भैया स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, तो हम स्कूल वाले ध्यान रखेंगे, पर अब ये स्कूल के अंदर ऐसी घटना हो रही है तो हम कैसे यकीन कर लें स्कूल वालों के अंदर में। और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, जो पेरेंट्स हैं उनको कम से कम सूचित किया जाना चाहिए मेल के माध्यम से या किसी तरह। वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करते हैं कि छुट्टी है क्या है, पर इस बारे में इन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया, ना किसी बच्चे को बताया ना किसी बारे में बताया। अब हम अपने बच्चे को छोड़ने आते हैं, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हम क्या इन्हें छोड़ने आते हैं सुबह 7 बजे, 7:30 बजे से इनका स्कूल है, हम इन्हें छोड़ने आते हैं, उसके बाद में 5-6 घंटे जितना स्कूल में रहते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है इस बारे में हमें, तो हम कैसे यकीन कर लें स्कूल प्रशासन में। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कुछ जानकारी दी स्कूल ने? नहीं नहीं, हमें भी कोई जानकारी नहीं थी। अभी हम बच्चे को अपने लेने आए स्कूल से, तो हमें अभी यहाँ पहुँचने के बाद पता चला, जब हमने मीडिया को यहाँ देखा कि ऐसा भी कुछ हुआ है, तो हमें भी कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी स्कूल से कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी हमें आने के बाद ही पता चला जब बच्चे को लेने आए हम। डर तो है ना सुरक्षा को लेकर, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की हैं छोटी छोटी, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है स्कूल में, अगर ऐसा हो रहा है फिर बाहर कहाँ सेफ रह पाएंगे कोई। स्कूल में तो एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होनी चाहिए ना उनको स्कूल की तरफ से। अब ऐसा अगर स्कूल में ही होगा जो विद्या का मंदिर है, तो बाहर क्या होगा फिर? अब मतलब इनसिक्योरिटी तो होगी ना एक तरह से लेके स्कूल को भी। अब स्कूल से आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखा जाए, उन्हें सेफ्टी दिए, सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए स्कूल में, उनका ध्यान रखा जाए, ऐसी घटना दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए जो अभी हुई है। अब क्या कहेंगे बाबूजी इस पे? मालूम ही नहीं है, हम तो भी है। तो आप लोगों की अब क्या स्कूल से अपेक्षा होगी? सुरक्षा बढ़ाई जाए, एक तो बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये सब चीजें हमें अपेक्षा करते हैं स्कूल से। मैडम, आप लोगों को स्कूल ने कोई जानकारी दी या लूप में रखा? नहीं भैया, हमें पता नहीं था, हमें तो आज ही पता चला है इस चीज के बारे में, और ये गलत है। हमारी भी बच्ची आती है, वो भी हमारी बच्ची है, अगर कल हमारी बच्ची के साथ होगा तो हम क्या कहेंगे? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतनी सेफ्टी नहीं है बच्चों में कि लेबर ऐसा कुछ कर रही है बच्चों के साथ। टीचर कहाँ जाते हैं? हम तो टीचर के ऊपर अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं ना, किस चीज का पैसा ले रहे हैं वो हमसे? गलत बात है ये हमको। स्कूल ने आप लोगों को अपनी ओर से कोई कुछ जानकारी नहीं दी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था, हमें तो आज मीडिया वालों से पता चला है ये सब हुआ है। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और काफी चिंतित है। आप लोगों को स्कूल ने कुछ बताया घटना के बारे में? नहीं सर, हमें नहीं कुछ बताया है लोगों ने। आप लोगों की चिंता है? चिंता है नहीं, जब कोई बात होगा तो चिंता नहीं लगेगा, जरूर बात है चिंता। तो आप लोगों को कुछ स्कूल ने अपनी ओर से बताया इस घटना के बारे में? नहीं सर, हमें तो कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो सुरक्षा को लेकर चिंता है आप लोगों को? बिल्कुल सर है, यदि ऐसा है तो चिंता तो है ही। क्या स्कूल से आप लोग अपेक्षा करते हैं? मतलब वो होना चाहिए ना, थोड़ा का सख्ती होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो जितने भी स्कूल से जा रहे जो पेरेंट्स हैं उनको ये इस बात की लगातार चिंता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तमाम जो पेरेंट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि स्कूल ने आप लोगों को कोई जानकारी दी थी? हमें कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। जो भी हुआ है गलत तो हुआ ही है बच्चे के साथ, सभी बच्चे हैं, अब एक बच्चा है तो सभी बच्चे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कंप्लेंट तो होनी चाहिए, सभी पेरेंट्स करेंगे। अब मुझे तो अभी पता लगा है, मुझे पता नहीं था। क्या कह रहे हैं स्कूल ने? तो इस बात को दबाया था सर, हमें तो आज पता चला है, न्यूज चैनल के मुकाबले देखने पे पता चला है।
स्कूल ने तो इस बात को दबा दिया था, 3 तारीख को बता रहे हैं ये काम हुआ है 6 साल की छोटी बच्ची के साथ। इन्हें अलाउड नहीं करनी चाहिए ना लेबर स्कूल टाइम में, स्कूल टाइम में कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेबर अलाउड नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लेबर अलाउड कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के माध्यम से आप लोगों को तमाम सूचनाएं दी जाती होंगी, इस बात की सूचना दी गई? नहीं, नहीं दी गई, हमें तो अभी न्यूज चैनल पे पता चला है, हमें कोई सूचना नहीं मिली, 3 तारीख से 6 तारीख हो गई आज अभी पता चला है। क्या अपेक्षा करते हैं आप लोग स्कूल? सर कार्रवाई होनी चाहिए, मैडम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको भी पकड़ना चाहिए, 6 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। स्कूल पर भी कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, इसमें जो है खुला खुला प्रिंसिपल और जो टीचर हैं, जब उनको इस बात की पता लग गया था, उनको जानकारी मिल गई थी, बच्चे ने बता दिया कि ये लेबर है, इसने किया है, तो उनको तुरंत जो है पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट कराना चाहिए था, ना कि उन्हें ठेकेदार के साथ भगा देना चाहिए था। सबसे पहला काम उन्हें ये करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए स्कूल प्रशासन इसमें बहुत जिम्मेदार है, प्रिंसिपल को तुरंत जो है तत्काल हटाना चाहिए स्कूल प्रशासन को। तो इस तरीके से लोगों की नाराजगी है और सीधे सीधे स्कूल के खिलाफ नाराजगी है कि स्कूल प्रशासन की ओर से अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है सुरक्षा में चूक की, तो स्कूल प्रशासन को भी इसमें निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, मतलब आप लोगों को स्कूल ने कुछ बताया था इस बारे में? कुछ नहीं बताया इस बारे में, हमें अभी पता चला, आज ही पता चला है। क्या कंसर्न है आप लोगों के अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर, या स्कूल से क्या अपेक्षा करते हैं आप? हमें तो अब डर ही लग रहा है, अभी हम क्या बोले, हम अपने बच्चे को स्कूल में थोड़ा बहुत ज्यादा ही डर लग रही। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब प्रिंसिपल ही छुपा रहे हैं तो फिर कभी भी कुछ भी हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे। छुपा रहे तो उनको प्रॉपर सीसीटीवी स्कूल में लगे होना चाहिए, हर बच्चे की सेफ्टी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भी पास आउट नहीं करी है, आज हम लोगों को आपके थ्रू पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये 2 दिन हो गए हैं, इसमें जो भी है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त हिदायत मिलनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक छोटे बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम अपने बच्चे को कैसे समझें कि वो सिक्योर है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो वही चाहते हैं कि बच्चे देखो, स्कूल वाले एक्शन लें इसके खिलाफ, हमारे बच्चे कैसे सेफ रहेंगे। फिर सीनियर विंग भी है, वहाँ पर भी हमारे बच्चे जाते हैं, तो हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना बच्चों की। सर इससे क्या एक्शन लेना चाहिए स्कूल के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ऐसी अगर गलत चीज हो रही है एक स्कूल में, बच्ची के जो छोटी बच्ची है जिसको कुछ समझ नहीं है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्कूल को इससे क्या एक्शन लेना चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। तो बड़ा स्कूल है ये और सेक्टर नोएडा के सेक्टर 12 में है, तमाम बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी देर से निकल रहे हैं, छुट्टी हुई है और अपने अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि ज्यादातर पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें आज ये बात पता लगी, यहाँ पर जब उन्होंने मीडिया की हलचल देखी है उसके बाद उन्हें पता लगा है। आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो हम लगातार जान रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, आप लोगों के क्या कंसर्न है? भाई साहब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब स्कूल वाले कुछ अपना नाम छिपा लिया, पेपर में भी नहीं आने दिया और उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आप लोगों को स्कूल ने कुछ बताया? अभी तो हमारे पास कोई खबर नहीं आई है, बस मेरे बच्चों ने ही 2 दिन से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मम्मा पुलिस बहुत ज्यादा आ रही है, पुलिस बहुत ज्यादा आ रही है। आज हमने न्यूज़पेपर में देखा, तब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो अभी स्कूल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे। जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो टीचर से भी पूछा, मैंने कि क्या बात है, और कह रहे हमें पता नहीं है, हमें तो अभी पता चला है, पेपर में आ गया, न्यूज बसा, स्कूल का नाम नहीं आया, स्कूल का नाम कहीं पे भी नहीं है, ये मैटर दबाया जा रहा है। जो मैंने पढ़ा आज न्यूज़पेपर में उसमें भी यही लिखा था कि वहाँ की प्रिंसिपल जो है वो मैटर को दबा रही है, और प्लस प्रिंसिपल तो यहाँ की कभी सपोर्ट नहीं करती, कभी भी हम लोग को किसी भी चीज के लिए कुछ भी कंसर्न हो प्रिंसिपल के पास जाना हो, टीचरें प्रिंसिपल तक जाने ही नहीं देती है। प्रिंसिपल प्रीति शुक्ला। आप लोगों को सुरक्षा को लेकर के चिंता हो रही? बहुत, इतनी सुरक्षा के लिए कि बता नहीं सकते कि बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। चिंता तो रहेगी क्योंकि अब टीचर को ही देखना होगा कि क्या करना है नहीं करना है, अब वही बता सकते हैं, हम लोग को तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, बस जानकारी चाहते हैं आप लोग। बस सुरक्षा ही चाहते हैं, और क्या, बच्चों को मैनेजमेंट सुरक्षा रखे और यही सब करना चाहिए कि बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं पूरा ध्यान देना चाहिए। आप मिले हो अंदर जाके? नहीं कराए, आपसे नहीं कराई हुआ,
वो किसी से बात नहीं करा रहे भाई साहब, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो काफी चिंतित हैं और उनका कंसर्न सिर्फ एक है कि उनके बच्चे की सुरक्षा भविष्य में सुनिश्चित हो सके, और जब वो विश्वास के आधार पर यहाँ पर छोड़ते हैं तो उनके विश्वास की रक्षा होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। मॉडर्न स्कूल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए कि रोजमर्रा के जो आप लोगों की इंटरेक्शन होता है स्कूल मैनेजमेंट से, वो किस तरह का होता है? बहुत खास नहीं होता है, कभी प्रिंसिपल से मिलना हो किसी को तो भी नहीं मिलने देते हैं, इस तरीके का रहता है। क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न अपने बच्चे के लिए सबको होता है, और सबके बच्चे छोटे हैं, ऐसा नहीं है जूनियर की बिंग्स है तो जूनियर बच्चे ही रहते हैं, 5-4 ईयर के बच्चे हैं, किसी के साथ कुछ होता है। देखो बच्चे छोटे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अगर स्कूल कुछ कह देगा तो बच्चे डर के शांत हो जाएंगे, पेरेंट्स को भी नहीं बताना, एटलीस्ट पेरेंट्स को सारी चीजें बताना चाहिए। आप लोग बताइए किस तरह का डे टू डे का जो मैनेजमेंट के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन है? सर SS तो बहुत अच्छा नहीं है, इवन दो हमने फीडबैक, सबसे बड़ी बात है फीडबैक लेने के रेडी नहीं है, हम लोग खड़े होते हैं प्रिंसिपल को जो भी फीडबैक देने के लिए, वो कमरे से बाहर नहीं आती, ठीक है। अभी हमने कहा अगर आप अंदर जाएं तो बच्चों की फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रेलिंग इतनी छोटी है कि बच्चे उसपे से झांकते रहते नीचे गिर सकते हैं, उसके लिए भी हमने कंसर्न लिया क्या तो इस रेलिंग को ऊपर करें, यहाँ पे जाल प्रोटेक्शन लगाए ताकि हर समय टीचर नहीं देख सकती, अगर बच्चे चले गए, कोई शैतान बच्चा होता चला गया, अगर वो नीचे गिर गया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रिंसिपल से बातचीत हो पाती है हम लोग? आज तक नहीं मिले, मेरा बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, आज तक प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया। टीचर भी बात नहीं करती है, टीचर भी अगर पेरेंट्स से कनेक्ट हो तो बच्चों के बारे में पता चले, वो भी नहीं बात करती है। टीचर आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं, अगर कुछ भी हो गया बच्चे के साथ, हम नहीं जानते कि क्या हो गया बच्चे के साथ, कि बच्चे इतने सारे हैं, अगर पेरेंट्स एक बार को कम्प्लेन भी करे किसी बच्चे की कि अरे हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, तो नहीं, बिल्कुल टीचर ध्यान ही नहीं देती है किसी भी बात पे, अगर ये छोटी छोटी बात होगी, ये तो एक बहुत बड़ी बात है बैड टच, लेकिन छोटी छोटी बात पे भी टीचर ध्यान नहीं देती, ये तो आ जाएगी बैड टच की बात, लेकिन इससे पहले भी टीचर्स बिल्कुल ध्यान देती थी। बहुत कम होता है जैसे बताया, और लास्ट PTM वगैरह से उनको आधा घंटा वेट करा गया, फोन पर बिजी थी मैम तो नहीं मिल पाए। समर के बाद से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, जो समर हॉलीडेज होती हैं उसके बाद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, और सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए मैंने भी कई बार उनको मेल करे हैं, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमने उनको नेट कर लगाने को बोला और जाल लगाने को बोला कई बार, और वहां पे छतें वगैरह भी गिरी हैं क्लास में, जहां पे वो 2 क्लास को 1 क्लास में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेकार यहाँ पर मैनेजमेंट है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह साथ रविकांत, ABP न्यूज नोएडा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।